बिल्कुल सच बताऊंगा दोस्तों, आप बिलीव कीजिए, बिल्कुल नहीं है। आप मैंने मैगी लिया, आप कोई भी नूडल ले सकते हैं, ये नहीं है कि सिर्फ मैगी आपको लेना है। थोड़े से पास्ता लिए हैं, ये नोर का मैंने सेंजन सॉस लिया है, साथ में मैंने इसमें थोड़ी सी शिमला मिर्च ली है, थोड़ी सी कैरेट ली है और दो एग लिए हैं। तो हम मैगी को सबसे पहले बॉईल कर लेते हैं। सो दोस्तों आप देख सकते हैं अब हमारी जो पास्ता और नूडल है दोनों बॉईल हो चुका है। तो अब इसको हम जो है गैस ऑफ करके इसको तुरंत निकाल के इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। सो मैगी बॉईल हो चुका है, इसको हमने एक थाली में पूरा फैला लिया है। अभी इसको कुछ देर सूखने के लिए रख देते हैं दोस्तों। उससे पहले हम लोग अपना फिर बॉईल अंडे का ऑमलेट बना लेते हैं। सो लो जी, हमने कढ़ाई चढ़ा दिया है। अब जो है इसमें हमें डालना है थोड़ा सा सरसों का तेल। तो थोड़ा सा सरसों का तेल डाल के तेल को थोड़ा गर्म होने दीजिए दोस्तों। उसके बाद इसमें हम अंडा डाल देंगे। अंडा को ऐसे थोड़ा सा भुट्टी टाइप का प्लेट लीजिए, अलग से प्लेट में इसको निकाल लिया दोस्तों। हमारा अंडा फ्राई हो चुका है और साथ में हमने थोड़ा सा फिर कढ़ाई में तेल डाला है क्योंकि हमारे कैरेट और शिमला मिर्च को भी थोड़ी फ्राई करनी है। चलिए हम इसमें थोड़ा सा डाल देते हैं कैरेट और शिमला मिर्च। आपको 2 टेबल स्पून सेंजन सॉस डालनी है इस कंडीशन में। तो हमारी सेंजन सॉस भी इसमें थोड़ी सी फ्राई हो गई है दोस्तों। अब जो इसमें हम डालते हैं मैगी, ऐसे कर करके आप सारे डाल दीजिएगा इसमें। पूरे मैगी को मिक्स कर दीजिएगा सॉस के साथ। उसके बाद हम लोग के पास जो है हमारे मैगी मसाला के साथ ये मिलता है पैकेट दोस्तों। ये एक पैकेट पूरी डाल देनी है इसमें, साथ में थोड़ा सा अपने स्वाद अनुसार नमक भी डाल दीजिएगा। तो दोस्तों आप देखिए, हमने इसमें अपना अंडा जो फ्राई किया था वो भी डाल दिया है और उसको ऐसे ही कम से कम 5 मिनट तक फ्राई कीजिएगा धीमी आँच पर। उसके बाद आप गर्म गर्म इसको सर्व कर सकते हैं दोस्तों। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। आज हम खाने वाले हैं सेंजन फ्राइड पास्ता मैगी नूडल्स विद एग्स। सो लेट्स स्टार्ट ईटिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना दोस्तों, बहुत मेहनत लगी है वीडियो बनाने में। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नए हैं तो। साथ ही अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों, बहुत मेहनत करके बनाया है वो भी अकेले अकेले दोस्तों। चलिए दोस्तों हम खाना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सच बताऊंगा दोस्तों, आप बिलीव कीजिए, बिल्कुल सेम रेस्टोरेंट स्टाइल लग रहा है, कोई भी उसमें फ़र्क नहीं है। वो भी घर के हल्के से मसाले से बनाया, आपने वीडियो तो देखा ही होगा अभी कुकिंग का। कुछ भी हमने एक्स्ट्रा नहीं डाला है, कुछ भी कुछ अलग से नहीं करा है, सिंपल से बनाया है घर के चूल्हे पर और बिल्कुल खाने में रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा, बिल्कुल बहुत ज़्यादा टेस्टी है। स्पाइसी के साथ थोड़ा मसालेदार भी है ना दोस्तों, उसके लिए उसकी टेस्ट अलग से और बढ़ गई है। मेरे जितने भी फैमिली सब्सक्राइबर देख रहे हैं दोस्तों, आप जब भी ट्राई करना और इसकी छोटी सी वीडियो बना के मुझे टैग जरूर करना और बताना कैसा लगा है, क्योंकि ये बहुत टेस्टी बना है और ज़्यादा कोई मेहनत भी नहीं है इसमें।
बहुत ही उम्दा। तो दोस्तों हमने खाना खा लिया, मैं आपको नहीं बता सकता कितना टेस्ट था, बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो दोस्तों इसी के लिए आप वीडियो को लाइक कर देना और रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट वीडियो में।